अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। बलोचिस्तान के हालात और बलोचिस्तान के अहवाल सब लोगों के सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। चाहे वो दहशतगर्दी की बात कर लीजिए या फिर सेपरेटिस्ट की बात कर लीजिए, अवामी मसाइल की बात कर लीजिए, बेसिक बुनियादी मसलों की, एजुकेशन की, पानी की, खुराक की बात कर लीजिए, या फिर अब उभरते हुए गवादर की या बनते हुए सीपैक की बात कर लीजिए। ये तमाम सिचुएशन हमारे सामने है। ऐसे में बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा एरिया जो कि पाकिस्तान का बैकयार्ड भी कहा जाता है, पाकिस्तान की सीपैक जो है वो एक तरह से शाहरग बलूचिस्तान पाकिस्तान की बन जाएगा। तो बलूचिस्तान के हवाले से ख्याल करना, इसके बारे में काम करना बड़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन ऐसे में सियासी सूरत हाल भी उतनी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के इस सूबे की सियासी सूरत हाल स्टेबल रहे। और ऐसे में पहला इंटरव्यू किसी भी मीडिया फोरम पर CM बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंजो साहब दे रहे हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। 16वें चीफ मिनिस्टर हैं PB 41 से। किसने सोचा था कि बिज़ेंजो साहब आज CM की कुर्सी पे बैठे होंगे। बिज़ेंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका पहला इंटरव्यू है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चांस दिया और मौका दिया। बिज़ेंजो साहब, कुछ कड़ी हकीकतें हैं, कुछ कड़वे हकायक हैं बलूचिस्तान के हवाले से। आई एम श्योर आप भी आएँ, आपको भी बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। लेकिन सबसे पहला सवाल करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग उठा रहे हैं कि आपने 13 जनवरी 2018 को असेंबली के अंदर जब स्पीच की तो आपने कहा कि जमहूरी अमल को आगे लेकर जाने का एक सिलसिला आगे बढ़ा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये जमहूरी अमल को आगे लेकर गए हैं या फिर जमहूरी अमल में रखना डाला है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि इस तमाम तहरीक के पीछे कुछ खुफिया हाथों का काम था, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिया जा रहा है और कुछ सियासी जमातों का भी नाम लिया जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत? इसमें सदाकत कोई नहीं है। आपके सामने सारे चीज़ें, मेरे ख्याल में आप बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा स्टडी भी करती हैं, आप चीज़ें देखें, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल, गवर्नमेंट की मशीनरी बिल्कुल जाम थी और लोगों की रसाई ऑफिस, चाहे मिनिस्टर हों चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। तो इल्ज़ामें बहुत हम पे लगी हैं कि इनके पीछे कौन है कौन नहीं है, लेकिन उनको चाहिए था कि वो ग्राउंड में जाते और हकीकत देखते। क्या इस पोजीशन में कोई अगर निकला है तो उसको मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस हालत में निकला और उसने गवर्नमेंट को चैलेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दोस्तों ने जिस तरह मेरा साथ दिया, और दोस्त सारे मेरे जो कुलीग्स थे जिसको हम लाइट माइंडेड या हम ख्याल लाइट माइंडेड जो चेंज देखना चाहते थे। अब बलूचिस्तान की आप एक साल की टोटल उसमें आप जाएं तो MPs जो नुमाइंदे हैं उन्होंने, जो मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे या किसी पार्टी से, उन्होंने असेंबली जानना छोड़ दिया था, CM सेक्रेटरी जानना छोड़, काम ही नहीं हो रहे थे। सही। और चीज़ें बिल्कुल ऐसे थे कि बिल्कुल जाम हो चुके थे। फिर हम निकले तो हमें कहा गया कि भाई शायद ये असम्बलियाँ तोड़ने आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में सेनेट के लिए, सेनेट को रोकने के लिए मैंने फ्लोर में ये कहा था कि हम आइनी जो हमारी मुद्दत है इंशाल्लाह हम यहाँ से बिल्कुल एज ए CM मैं नहीं करूँगा। अगर इनके पाकिस्तान में बहुत कुछ चीज़ें होते हैं जो हम हालात ख़राब कर लेते हैं और कोई और चीज़ें आ जाएँ और बातें, एज़ CM मैं नहीं करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी बात उनकी गलत हो गई, और जो साहब लोग कहते हैं सेनेट इलेक्शन अभी होने जा रहे हैं। Exactly, अभी ये चार जो सबसे बड़ा जो उनका ये था कि शायद सेनेट इलेक्शन रोकने के लिए ये चेंज ला रहे हैं, हमने वहाँ पे चेंज लाया अवाम की मसाइल को हल करने के लिए। अवाम के जो मामला थे, अवाम जिस तरह जिस हालत में रह रहे थे, मेरे ख्याल में पहले बात करने से पहले वो आते क्वेटा और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की हालत देखते, फिर अगर ये बात कर लेते फिर मुझे बहुत खुशी होता, लेकिन यहाँ बैठ के कोई बात कर लेता है फिर अफसोस होता है कि वो बलूचिस्तान के हालात को जाने बगैर और इस तरह के इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दे। अच्छा, लेकिन बिज़ेंजो साहब, फिर लोग कहते हैं कि तमाम मामला जो 35,000 आसामियाँ खाली पड़ी थी वो भी बड़े अरसे से पड़ी थी, जहरी साहब के बारे में जितने इल्ज़ाम लगे वो भी बड़े अरसे से लगे थे, तो ये बिल्कुल करीब करीब आके सेनेट इंतखाबात के क्यों, ये साल पहले क्यों नहीं मामला हो गया, ऐसी कोई जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस
ये कोई 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल सेनेट इंतखाबात के करीब 4 तारीख को अब कागजात नामजदगी जमा होने हैं, तो वाई एट दिस पॉइंट? बिल्कुल आपकी बात सही है, बहुत लेट हो गया, होना चाहिए था बहुत पहले, लेकिन एक हमने एक तो बहुत मेरे ख्याल में आप बैक में जाएं 2013 में इलेक्शन हुए तो मैंडेट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बलूचिस्तान के अवाम ने दिया और सारा मेजॉरिटी उनकी MPs आए और उन्होंने यहाँ बैठ के मरी मुआहदा करके जो अवामी मैंडेट है उसको लेके उन्होंने दिया एक और पार्टी जो मेजॉरिटी में नहीं था और उसको गवर्नमेंट दे दिया और उसने वहाँ पे जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था जो नवाज शरीफ की पार्टी के थे उनके साथ बहुत इलाकों में मुदाखलत होने शुरू हो गए, उनके इलाकों में जो उनके मामला थे वो सही चलना शुरू नहीं हुआ, तो इसको बहुत एतमाद उस टाइम उठ गया था नून से कि भाई ये हमारे साथ आपने क्या किया, बलूचिस्तान के अवाम ने आपको मैंडेट दिया, क्या आप इस काबिल नहीं थे कि आप गवर्नमेंट बलूचिस्तान को चलाते, आपने किस तरह खैरात करके हमने अपनी मेजॉरिटी को उन कौमप्रस्तों को दिया, हम चाहते हैं कि फेडरलिज्म की तरफ आ जाएं, आप कौमप्रस्त थे। पर ये तकरीबन 2-3 दफ़ा हम डॉक्टर मालिक के ख़िलाफ़ उस टाइम जो डॉक्टर मालिक थे हम उसके खिलाफ अदम एतमाद लाने की कोशिश कर रहे थे, फिर यहाँ से इस्लामाबाद से फेडरल मिनिस्टरों का एक टीम आ जाता था और वहाँ पे सिर्फ इस काम के लिए जब उनको प्रेशर आता था फिर आते थे वहाँ पे और वो तहरीक को रोक देते थे। तो फिर करते करते 2.5 साल के बाद जो नवाब सनाउल्लाह थे पार्टी के सदर थे हमने सब ने मिल के उसको लाया और उम्मीद था कि यहाँ से भी फिर वो 2.5 साल वाला प्रोसेस है वो भी हो गया। अब आप को मैंडेट अवाम ने दिया है कि आप गवर्नमेंट करें, आप उठाते हैं दूसरे को देते, इस तरह अगर करना है तो फिर आप इतने बड़े दिल के हैं तो आपको मैंडेट दिया है पूरा पाकिस्तान ने पंजाब ने कि आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप कहें महमूद खान या असवंद यार खान किसी भी पार्टी के छोटे पार्टी को मैं वज़ीर आज़म बनाऊँगा मुल्की मफादात में, अगर इतने मफादात अजीज हैं पंजाब के उसमें वज़ीर आला छोटी पार्टी को दे दें हम मुझे अब समझ आ जाएगा। तो आखिर में अहमद को धजका पहुंचा वहीं जहां डिवीजन हो गई मरी मुआहदा हो गया। हम तो मुस्लिम लीग काफ से मुस्लिम लीग हमारा काफ नहीं है, हमारा बेसिकली है मुस्लिम लीग, हम काफ से वैसे मशहूर हो गए हैं, बेसिकली ओरिजिनल मुस्लिम लीग हम हैं और मुस्लिम लीग नून वाले उन्होंने बहुत इस चीज़ को तहफ़ुज़ात का इजहार किया। ये 2.5 साल के बाद चेंज आ गया तो नवाब साहब नवाब सनाउल्लाह हमारे लिए मोहतरम है, कबाली शख्सियत है, हमारे बड़े भी हैं, लेकिन सियासी तौर पर हमने कहा शायद वो डिलीवर कर लें, लेकिन जिस तरह उसने चीज़ों को संभाल नहीं सका, खुद एक कबाइली चीफ उसकी मसरूफियात उधर से फिर चीफ मिनिस्टर फिर 10 मिनिस्ट्रियाँ उसके पास और लाजमी उसके मूवमेंट भी आगे पीछे इंटरनेशनल नेशनल इतने होते थे कि उसकी प्रेजेंस क्वेटा में बिल्कुल बहुत कम हो गया, 22% टोटल उसकी सवा दो साल की गवर्नमेंट में वो 22% क्वेटा में बलूचिस्तान में रहे बाकी बाहर रहे, ठीक है। तो इस वजह से ये फिर मैंने तो उसी टाइम एज ए डिप्टी स्पीकर था, मैंने एज ए डिप्टी स्पीकर इस्तीफा रिज़ाइन कर लिया 2 साल पहले 2015 में आपने किया। अच्छा, लेकिन बिजेंजो साहब तो ये प्रोसेस वहाँ से आपने कहा इतना दे प्रोसेस उस तरह चलता गया, एक गवर्नमेंट को एक चीफ मिनिस्टर को चेंज करना एक इतने MPOs को तैयार करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन आखिर ऐसे हालात हो गए कि बिल्कुल मजबूर हो गए, हमने असम्बली जाना छोड़ दिया, किसी ने हमसे नहीं पूछा, इस्लामाबाद अप्रोच करना जितना जहाँ अप्रोच हो सके हम बताते रहे कि भाई खुदारा संभालें हालात हाथ से निकल रहे हैं और इस्लाम आपका कल टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा नून का टिकट ले, तो ये वजह थे जो आखिर में जाके हमें मजबूरन इस चीज़ में जाना अच्छा पड़ा। बिजेंजो साहब इसको कई लोग ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा होगा बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पहले इतनी वोलेटाइल है कि उसको ज़रा सा धजका लगे तो वो हिल जाती है, डोमिनोज इफेक्ट आ जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सनाउल्लाह ज़हरी साहब को आउस्ट नहीं किया गया, ये तो PMLN का पूरा ढांचा ही ख़त्म हो गया। अब तो कई PMLN के लोगों का ये भी कहना है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, मैं नाम नहीं लूँगी इसलिए, कि वो सेनेट के इंतखाबात के अंदर एक भी शख्स को या एक भी कैंडिडेट को खड़ा करने को की पोजीशन में नहीं है, यानी सियासी अदम इस्तेहकाम हो गया बलूचिस्तान में, इसका क्या नतीजा होगा, क्या ये बलूचिस्तान के लिए अच्छा हो सकता है? नहीं, इस तरह की बातें हैं, इल्ज़ाम तो बहुत होंगे,
और जो लोग मेरे ख्याल में इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो खुद कोर्टों से उनकी जो हालत है वो पहले उसको संभालें फिर बलूचिस्तान पे इल्ज़ाम लगाएं। वहाँ पे उनको एक और चीज़ भी देखना चाहिए, क्या आपने कभी ढाई साल में अपने बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी को इस्लामाबाद बुलाया और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आपने चार साल में कभी उनको एक कप ऑफ टी आपने उनको दिया या उनको बुलाया कि आपके बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, हम आपको किस तरह आपके मसाइल को एड्रेस करें, उनको किस तरह हम उनको हल करें। वो तो ढाई साल हो गए, ढाई नहीं पाँच साल अभी आलमोस्ट होने वाले, पाँच साल में हमारे एमपीज़ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं देखे, तो आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि आप वहाँ पे सेनेट में वोट लेंगे या किस चीज़ का? अभी भी चीज़ें नहीं बिगड़े हैं, अपने लोगों को संभालें, एमपीज़ को संभालें। घर में अगर आपको इंसाफ नहीं मिले तो वहाँ भी आप बगावत कर लेते हैं। तो ये पार्टी है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम पार्टी के अंदर चेंज लाना चाहते, किसी ने नहीं करने दिया, तो अगर वो नहीं करते तो फिर क्या करें? जब आपको अहमियत नहीं दिया जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को अहमियत नहीं दी गई है, वहाँ पे आए तो उन्होंने कभी मियां साहब आए ना, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का मीटिंग किया ना इस्लामाबाद में बुलाए। हम तो बलूचिस्तान वाले इज्जत के भूखे हैं, हमें इज्जत दो, मेरे ख्याल में हमसे सब कुछ ले लो। ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ ज़रा जाती हूँ बिज़ेंजो साहब, उसके बाद फिर वापस आते हैं बात करते हैं। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और बहुत सारे सवाल हैं, वोटों की भी कुछ बात करते रहे। जिस तरह से बिज़ेंजो साहब ने बोला कि पीएमएलएन को मैंडेट मिला था, मैंडेट के बावजूद ये किया, तो मैंडेट की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर हालात क्या हुए, क्या मसले मसाइल हुए। मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंजो साहब 16वें चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं, पहला इंटरव्यू है उनका मीडिया पे। बिज़ेंजो साहब, एक बड़ा अहम सवाल, आप मैंडेट की बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, तो लोग कहते हैं कि असेंबली में आपने बड़ी भारी अक्सरियत ली, 41 वोट लिए 65 के अंदर से, जो कि कम नहीं हुआ करता बलूचिस्तान की असेंबली में इस तरह से कंसेंसस होना, लेकिन आपके अपने हल्के के अंदर 544 वोट, और ऐसा शख्स जो 544 वोट ले वो सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए, ऐसा माजी में नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? तो तीन चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, वही मैं फिर वही बात करूँगा कि शायद आप अवारान को किसी ने देखा नहीं है या जाना नहीं, वो मिलिटेंट का घर था, अल्लाह नज़र भी, अल्लाह नज़र ब्रह्मदग का वहाँ पे हेडक्वार्टर, सारे स्टेट का रेट नहीं था। और मैं इस चीज़ पे नहीं जाता। एक और चीज़ है, मेरे और जो दूसरे मेरे मुकाबले में जितने लोग थे उनको भी शाबाश देता हूँ कि उन्होंने, हमने वहाँ पे नामिनेशन जमा करने पे पहुँचे तो हम 8-10 रॉकेट का सलामी भी लेके उधर हमारे जिस क्या कहते हैं सिविल जज था वहाँ पे हम गए तो का नामिनेशन जमा कर रहे थे, साथ हमारे रॉकेटें पर गिर रहे थे। अच्छा। मतलब इस तरह की हालत में हम कर रहे थे, गाड़ियाँ हमारी उसी दिन हम सारे डैमेज हो गए, हमारे सामने खिड़की के साथ ही वो रॉकेट लग जाता तो फिर मेरे ख्याल में आज इधर भी नहीं होता। वो अल्लाह ने वहाँ पे सेव किया, 8-10 रॉकेटें हमारे ऊपर गिरे, छोटे छोटे उनके मिज़ाइल थे वो वहाँ पे उन्होंने मारे थे, और तकरीबन 8-10 दफ़ा मेरे नाम स्लाइड चलता रहा कि हमने इसको मार दिया, लाश उठाने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्याल में अवारान को किसी ने जाना नहीं, और मैं इसको अगर ये मुझे तो बहुत इसका इस्तकाक उन लोगों का मजरूह हो रहा है जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर वहाँ पे वोट दिया। और अगर हम चाहते तो जिस तरह दूसरे लोग टप्पा मार के 5,000, 10,000, 20,000 वोट, 70,000 वोट थे, अगर वो करते, हमने कहा जो अवाम ने मैंडेट, जितने अवाम ने हिम्मत किया, हम उनकी वोट का इस्तकाक मजरूह नहीं होने देंगे। और उन्होंने जिस तरह वहाँ पे जाके इन दहशतगर्दों के सामने जाके अपने जान की परवाह किए बगैर और उसके वोट देने के बाद, मेरे ख्याल में आप अभी भी 2013 की रिकॉर्ड में लिखें, उसमें जो 500 से 100-200 बंदे जहनी तौर पर वो उनका जहनी ख़राब हो गया कि उनका ये जहन था कि हम वोट देने के बाद हमारा मौत है। मेरे ख्याल में इसको अगर 500 वोट कहते हैं, मेरे ख्याल में उनका इस्तेकाक मजरूह होगा, उन्होंने मौत को प्रेफर कर दिया लेकिन वोट
जो उनका हक था उन्होंने कहा जाएंगे वोट देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की बिजेंजो साहब आपने कि लोग क्यों जाएं वोट करें, बलूचिस्तान का कुछ ट्राइबल कल्चर है, सरदार हैं, एमपीएस एमएनएस क्या कर लेंगे। तो फिर अवारान के लोगों का सवाल आता है कि अवारान के लोगों के लिए PB 41 के लिए आपने क्या किया और ऐसी क्या चीज़ है जो आपने वहाँ कर ली जो आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ तब्दीली ले आएंगे। जिस तरह हमने ये चेंज इसलिए लाया कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना बलूचिस्तान के लिए ना अवारान के लिए। बहरहाल जो चीज़ें हम कर सके और वहाँ पे अमन अमान जो स्टेट का रेट नहीं था, हम असम्बली में बोलते रहे कि भाई यहाँ पे अमन अमान बहाल करने, पूरे अमन अमान बहाल करने के लिए पूरे बलूचिस्तान के लोग ने आवाज़ उठाई कि इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चीज़ें नहीं, अभी भी मैं जो लोग मेरे मुझे कहते हैं ना 500 का, मैं कहता हूँ बाई रोड अवारान का, अब मैं तो अभी जाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे बैठे लोग कहते हैं 500 वोट, वो फिर अवारान का एक बाई रोड विज़िट करके आ जाए, मैं उनका दिल गुर्दा देखता हूँ कि उनके कितने उनके दिल बड़े हैं, बाई रोड जाएँ और देखें। लेकिन वो चीज़ें हमें करना है, चीज़ें बहुत जिस तरह पोजिशन है मेरे ख्याल में बहुत हालात ख़राब थे और हमारे ऊपर क्योंकि हमने खुद अपने बलूचिस्तान में बैठ के चेंज लाया और हमारे ऊपर लोगों की तवक्कात भी बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह हमारा टीम इंशाल्लाह आप देखेंगे इस तरह नहीं है कि हमने वहाँ पे चेंज ला के बैठे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जितने मिनिस्टर हैं वो अभी ग्राउंड पे निकलना शुरू हो गए, मैं खुद निकल रहा हूँ, तो फिर जितने सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर हैं, DC हैं, वो भी निकलना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर छापा मार रहे हैं कौन सी चीज़ को बेहतर करना है, कौन सी गवर्नमेंट की मशीनरी अवेलेबल है और वो चल नहीं रही है, उसको किस तरह मैनेज करना है, वो चीज़ें इंशाल्लाह आपको महीने डेढ़ में ही। इसीलिए मैं तो टीवी चैनल्स में नहीं आ रहा था कि मैंने कहा जब उनको पहले और अभी का क्वेटा में फ़र्क आ जाए फिर मैं बैठूं और मैं बात करूं, फिर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। बहुत चैनल्स ने मुझे कहा लेकिन मैं नहीं गया, आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैं। थैंक यू कि आप हमारे इसरार पर आए, हम इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं यकीनन। अच्छा बिजेंजो साहब, एक चेंज तो हम लोगों ने देखी जो कि शायद किसी को अच्छी नहीं लगी, 26 जनवरी जरदारी साहब प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे होते हैं यानी प्रेजाइड कर रहे होते हैं, टेबल के राइट हैंड साइड पर बलूचिस्तान की काबीना होती है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिंध की काबीना होती है, बिजेंजो साहब बैठे होते हैं राइट हैंड साइड पे, ये क्या था? यानी आसिफ जरदारी साहब किस हैसियत में बलूचिस्तान की काबीना को एक तरह से प्रेजाइड कर रहे थे, उस पूरी की पूरी चीज़ को कोई इन्विटेशन थी? पूरी काबीना को देख कर अजीब सा लगा आवाम को, ऐसा क्यों? एक तो ये बिल्कुल इस तरह का कोई वो नहीं था, हमारा वैसे भी सिंध में आना जाना और कराची मेरे ख्याल में हमारे बलूचिस्तान वालों का दूसरा घर भी हम अपना समझते भी हैं और ज़्यादातर लोग हमारे बलूचिस्तान के वहीं पे हैं, बाकी सूबे भी हमारे लिए इतने ही मोहतरम हैं जो सिंध है, लेकिन ये कि वहाँ पे हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा और करीब है, तो इस वहाँ पे एक हमारे MPA उसके भाई का शादी भी था, हमने तो वैसे भी कराची जाना था, कायद अजम के मज़ार पे हाज़िरी भी देना था, तो CM सिंध और आसिफ जरदारी वैसे भी मेरा एज़ ए पार्टी देखा जाए तो मैं उसको एज ए लीडर भी मानता हूँ आसिफ जरदारी को। ऐसे क्यों में होते हुए आसिफ जरदारी साहब को अपना लीडर मानते हैं? नहीं, पाकिस्तान का लीडर मानता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का मतलब एक अच्छे लीडरों में उसका शुमार होता है। हम सिंध गए तो वहाँ पे कराची में उन्होंने CM सिंध ने कहा कि हमारे साथ खाना खाएं और आपका सारा मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के सारे, उसको पता भी चल गया था शादी के हवाले से आए भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका सारा कैबिनेट भी यहाँ पर आई हुई है तो सारे अगर आ जाते हैं। हमने कहा ये हमारे लिए ऑनर है, आप इज़्ज़त दे रहे हैं, हम क्यों नहीं आएँ, और मेरे ख्याल जरदारी से मिलना हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन हमें पता भी नहीं था कि जरदारी साहब भी वहाँ पे इनवाइटेड हैं और आ गए, हमें तो खुशी हो गया कि वहाँ मिलके उससे, हम तो ऐसे कहने पे गए, पर वहाँ पे लाजमी वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन भी, फर्स्ट हमारा कैबिनेट था और सारे नए यंगस्टर हमारे कैबिनेट में भी हमने सारे यंग अपने उसमें लिए हुए हैं MPAs को, तो वो भी एक दूसरे को इंट्रोडक्शन भी एक दूसरे मिनिस्टर MPAs के साथ, आसिफ जरदारी साहब आए, फिर उनके बहुत चीज़ों पे हमने शुक्रिया भी अदा किया जो आज तक उसके बाद नहीं देखने में आए, जो गवर्नमेंट जरदारी
کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں بلوچستان پیکج کے حوالے دیکھا جائے 18ویں ترمیم کے حوالے جو چھوٹے صوبوں کو حقوق دیے گئے ہیں میرا خیال میں یہ تاریخ کبھی اس کو وہ نہیں کرے گی بھولے گی نہیں اور این ایف سی ایوارڈ بالکل یہ چیزیں سارے پھر سب نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ نے یہ کیا ہے آگے جو بھی ہوتا ہے لیکن آپ نے جو کیا ہے اور امیدیں اب جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو چھوٹے صوبے پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہم اس پارٹی میں ہو نہیں ہوں اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیشن ملنی چاہیے لیکن میں جانے سے پہلے ایک کوئک کوسچن پوچھنا چاہ رہی ہوں کہیں پی ایم ایل کیو سے پیپلز پارٹی میں جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے کوئک آنسر نہیں بالکل میں اپنے پارٹی میں ہی ہوں اور ہم مسلم لیگ ہیں کیوں نہیں ہیں مسلم لیگ ہیں کیوں اس کو میرے خیال میں میڈیا والے بھی کلیئر کر دیں ہم مسلم لیگ ہیں وہ کیوں اس میں بالکل ہمارا آپ الیکشن کمیشن میں جائیں نا ہمارے پاس کیوں والا کوئی اس میں ہے نہیں ہے کہ اس میں کہیں کیوں لکھا ہوا ہے ہم اوریجنل مسلم لیگ ہیں اور کیوں پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا اور مشہور ہو گیا بیسیکلی ہم مسلم لیگ ہیں مسلم لیگ ہیں ٹھیک ہے اور پارٹی چینج نہیں کریں گے بریک کی طرف جائیں گے ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے کچھ اور اہم مسائل بلوچستان کے ڈسکس کریں گے سی ایم بلوچستان کے ساتھ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ایک اہم سوال اٹھایا جو کہ عوام بھی سوچ رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب پریزائڈنگ چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف بلوچستان کابینہ دوسری طرف سندھ کابینہ کیوں ہے اس کا جواب تھوڑی دیر پہلے بزنجو صاحب نے ہمیں دیا لیکن بزنجو صاحب ایک اہم معاملہ تقریباً 3 مئی کی بات ہے 3 مئی بدین کے اندر آصف زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کو سینٹ کے اندر جو ان کی سیٹیں ہوں گی وہ نہیں لینے دیں گے یا دھجکا پہنچائیں گے پی ایم ایل این کو اب یہ سننے میں آ رہا ہے آصف زرداری صاحب وہاں کے سیاستدانوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں اور بڑی کوئی ہارس ٹریڈنگ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں ماضی کے اندر بھی بلوچستان کے اندر 6 کروڑ تک بکتا رہا ووٹ سینٹ کے انتخابات کے لیے کیا ایسی کوئی چیز سامنے آ رہی ہے ایک ایسی جماعت جس کا ایک بھی شخص بلوچستان اسمبلی میں نہیں ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم بلوچستان سے سینیٹرز لے کر آئیں گے دیکھو بات یہ ہے کہ اب پچھلے بھی آپ دیکھیں ہم جو گئے ہمیں بہت عزت دیا وہاں پہ سندھ میں جس طرح گورنمنٹ نے ہماری آنر میں ہمیں جس طرح آنر دیا اور سارے ہمارے ممبرز کو اور رسپیکٹ دیا یہ چیزیں ہونی چاہیے اب دیکھیں آپ بہتری کریں گے تو بہتری کی امید بھی رکھتے ہوں گے کہ ہمارے لیے بھی کوئی اچھا وہاں پہ ہوگا اب یہ 4-5 سال تھے آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ بلوچستان جو برننگ ایشو بھی ہیں بہت سارے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے لیکن یہاں پہ فیڈرل سے کوئی ان کی سنائی نہیں ہوا نہ کوئی ایسا پیکج کا اعلان ہوا نہ ان کو بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا اور ان کی مسائل سنے لیکن وزیر اعظم صاحب تو گوادر گئے تھے نا بزنجو صاحب ابھی کچھ دن پہلے وہ تو وزٹ تو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وہ وزٹ آیا وزٹ کیا اور ایک اسپیچ دیا اور نکل گیا یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے وہ نمائندوں کو کیا اہمیت دی گئی ہے جب سے میں ابھی بات نہیں کرتا ہوں لیکن جب سے یہ نئے پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب آئے ہیں اور مسلسل وزٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اہمیت بھی دے رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ نے چینج دیکھا ہے وہ اسمبلی میں وزٹ اس کا آنا جانا شروع ہو گیا جو کہ پرانے پرائم منسٹر اسمبلی کو وزٹ ہی نہیں کرتے تھے یا اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کرتے تھے لیکن اب چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے وہاں پہ حالات خراب ہوئے ہم نے چینج لایا تو چینج لایا تو عوام کو چینج محسوس بھی ہو رہا ہے کہ وہ چینج ان کے لیے لایا گیا ہے کسی انڈیویجول کے لیے نہیں لایا گیا اب 2015 میں میرے خیال میں سینٹ الیکشن ہوئے تھے وہاں پہ ایک بادینی صاحب ہیں وہ آزاد اپنے دوستوں سے مل کے اور وہ سینیٹر بھی بن گئے اور یہاں پہ پیپلز پارٹی جوائن کر دیا آزاد حیثیت میں ابھی بھی دیکھو اپنا زرداری کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ حق میں وہ اپوزیشن میں ہے میاں نواز شریف کی اپوزیشن میں وہ کہتا میں کے پی کے میں بھی لوں گا وہ کہتا میں پنجاب میں بھی سیٹیں لوں گا وہ تو اپوزیشن میں وہ اگر وہاں پہ سیٹیں لائے نہ لائے لیکن اس کا حق بنتا ہے وہ باتیں کرے ٹھیک کیونکہ وہ اس کا یہ ہے کہ وہ کیونکہ سینیٹ یہ ہے کہ حق رائے دہی استعمال کرنے کے ایم پی ایز کو حق دیا گیا ہے کہ وہ سیکرٹ بلیٹنگ ووٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حق ہے
अगर वो देखता है कि चीज़ें सही नहीं है या किसी और जगह पे वोट देना है, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में इस तरह का कोई नहीं होगा, हमारे ग्रुप से कुछ ऐसा नहीं होगा। हॉर्स ट्रेडिंग करप्शन ये वाले मामले नहीं है बलूचिस्तान असेंबली के अंदर, आप उसको कंप्लीट रद्द करते हैं? बिल्कुल कंप्लीट रद्द करते हैं और इस तरह का कोई नहीं है। लेकिन जरदारी साहब उसके मरकज़ में भी अपोजिशन में हैं और वो उसकी हर कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश तो उसका काम है। आप क्या समझते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं कि कितना कामयाब होंगे जरदारी साहब सेनेट के इंतखाबात? देखो हर पार्टी अपना कोशिश तो करती है कि मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे ले लूँ, और वो अगर इसका सोच है गलत सोच नहीं है, लेकिन जो बलूचिस्तान के आवाम और उनके लोगों की वो है, वो अपना चाहे इस्तेकाक है, वो चाहे जिस तरह इस्तेमाल करें, लेकिन हमें यही उम्मीद है कि हम जितने लाइट माइंडेड लोगों ने चेंज लाया, हम पार्टियाँ अपनी जगह पे हैं, सारी पार्टियाँ उसी तरह हैं, वो अपने पार्टी का हर एक देखें और चीज़ें मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होगा कि जो लोग कह रहे हैं। अच्छा बिजेंजो साहब, अगले चार महीने में किस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, लेजिस्लेशन की तरफ, कानून साजी की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा बलूचिस्तान असेंबली का और आपका बतौर वज़ीर आला, या फिर आपका ध्यान इस तरफ होगा कि बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ बलूचिस्तान के लोगों को? दोनों चीज़ें अहमियत की हामिल है, प्रायोरिटी क्या है वज़ीर आला बलूचिस्तान की? बिल्कुल कानून साजी लाजमी है, 18वीं तरमीम के बाद बहुत चीज़ें हमने अभी तक कानून साजी भी नहीं किया है, ग्वादर के हवाले से बहुत अहम है, उसमें अभी तक हमने कानून साजी नहीं किया कि लोकल्स की राइट्स जो बलूचिस्तान के हों या ग्वादर के, उनकी राइट्स किस तरह हम उनको बेहतर बना सकें और उनकी राइट्स, अभी इतने लोग आ रहे हैं तो वो ऐसे नहीं कि लोकल्स कहीं गायब हो जाएं, तो वो बहुत अहम है क्योंकि चार महीने में आप मेगा प्रोजेक्ट और न्यू ऐसे इनिशिएटिव, आप मेरे ख्याल बहुत मुश्किल होगा कि आप कोई न्यू इनिशिएटिव लें और कोई नई चीज़ें आप सामने लाएं। अगर हम चार महीने में जो मशीनरी जाम थी, अगर गवर्नमेंट की मशीनरी को बेहतर बना सकें और रनिंग पोजीशन में लाएं, जो कि ऑलरेडी बहुत चीज़ें चल रही हैं उनको हम बेहतर बनाएँ और उनको सही जगहों पर मेरे ख्याल सही तरीके से वो चलना शुरू हो जाएँ, मेरे ख्याल बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन बिजेंजो साहब, कता कलामी के लिए माजरत, आप फरमा रहे हैं कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा है कि आप जाकर एटलीस्ट विजिट करें, देखें सफाई ठीक है या नहीं है, सही है कि तमाम मामला ठीक है कि नहीं। 35,000 असामियाँ खाली पड़ी हैं, बहुत सारे ज़िलों के अंदर DC नहीं है, बहुत सारे ज़िलों के अंदर AC नहीं है, हार्ड एरिया कंसिडर किया जाता है अगर पब्लिक जो के लोग हैं उनकी बात भी की जाए तो, फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो उधर जाना प्रेफर नहीं करते बलूचिस्तान, बल्कि बलूचिस्तान के अफसर पंजाब या सिंध या KPK के अंदर ट्रांसफर्स करा रहे होते हैं, बहुत सारी आसामियां खाली पड़ी हैं, उनको पुर करेंगे तब असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स जाके देखेंगे ना कि उनके इलाके के अंदर हो क्या रहा है, उनको कैसे पुर करेंगे चार महीने? उसमें मेरे ख्याल में जो चीज़ चार साल में नहीं हुआ वो जो हमने तहरीक पेश कर दिया इखलाकन, तो उसके बाद कोई काम नहीं करना चाहिए था कि इत्माद उन पे उठ चुका है। सही। उन्होंने जो चार साल में, बिल्कुल सवा चार साल, उन्होंने जो काम नहीं करना था, पोस्टें पड़ी हुई थी, आखिरी 10 दिन में उन्होंने क्या किया कि 25,000 पोस्टों के इलीगल अपॉइंटमेंट करके निकल गए। वो जो आप 35,000 कह रहे हैं, 35,000 भी हमारे पास, अभी हमने कैबिनेट मीटिंग की, अभी ये पोस्टों की हमें अपडेट दें। सही। तो पता चला कि वो 25,000 पोस्टें उन्होंने आखिरी 10 दिन में लोगों को लगा के वो चले गए हैं, जो गवर्नमेंट हमारे लास्ट गवर्नमेंट, तो अब हम उनको निकालेंगे कि लगे तो इलीगल हैं, जो चार साल में नहीं लगे 10 दिन में उन्होंने मेरिट को किस तरह उन्होंने चेक किया, किस तरह लोगों को मेरिट पे लगाया, अगर निकाल देते हैं लोग जाएंगे कोर्ट में स्टे लेंगे और कोर्ट कहेगा कि भी इनको आप छेड़े नहीं, तो इस वो अभी 35,000 हमारे पास पोस्टें नहीं हैं, 25,000 उन्होंने लगा के गए, 10,000 वो नहीं लगा सके क्योंकि इतने कम टाइम पे उनको इतना शायद मौका, और वो टेक्निकल पोस्टें थे, शायद उनके लिए उनके बंदे नहीं मिले, वो 10,000 बच गए हैं, और कुछ 2015 में NTS क्लियर किए हुए थे, पोस्टें पड़ी हुई थी, उनको उन्होंने नौकरी नहीं दिया, तकरीबन 180 के करीब वो आए थे, टीचर्स आए थे, हमने उसी टाइम पर कैबिनेट में डिसीजन लिया और उनको अपॉइंटमेंट आर्डर अभी हम उनको दे रहे हैं,
8000 के करीब हमारे मजदूर लोग थे, मजदूरों को मेरा ख्याल हमारा कोटा है लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलते हैं। तो हमने कहा नौकरियां नहीं मिलते हैं, हम उनके लिए ऐसा कोई प्रोग्राम तरतीब दें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू ताकि उनकी गुजर बसर हो जाए। मेरे ख्याल में उनको कोई इंसेंटिव दे दें, 8-10 हज़ार मंथली उनको मिलें, तकरीबन 8000 ये हम 20 दिन में ये चीज़ें हमने ये भी की हैं। उनके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि उनको हम थोड़ा बहुत उनकी भी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अच्छा बिज़ेंजो साहब, मसला बलूचिस्तान का सबसे बड़ा टेररिज्म, दहशतगर्दी बहुत है वहाँ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जिस तरह से हैं आपके अपने इलाके के अंदर, जिस तरह अल्लाह नज़र की मैंने बात की थी पहले, फिर हर बिहार हो गया, बरहम दाग हो गया, इनको कौमी धारे के अंदर लाने के लिए जहाँ बाकी इदारे काम कर रहे हैं वहाँ क्या सीएम बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ेंजो साहब कोई काम करेंगे या उसको एज इज छोड़ देंगे अगली हुकूमत के लिए? नहीं बिल्कुल, हमारा तो फर्स्ट डे से यही है कि आए बलूचिस्तान को आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे का हाथ मजबूत करें और चीज़ें उनके सामने हैं, दूसरों के हाथ से खेलने से कुछ भी नहीं होता है, और अपने बलूचिस्तान के लोगों को मज़ीद इम्तिहान में मत डालें और बलूचिस्तान की बेहतरी और तरक्की में एक दूसरे का हाथ मजबूत करें और बलूचिस्तान को मजबूत करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं और वो कभी पाकिस्तान से जुदा नहीं होना चाहते हैं, ना होंगे। तो इस हकीकत को उनको मानना पड़ेगा और उनको जो तहफ़ुज़ात हैं लाएँ, कहीं पे चेंज चाहिए हम उनको बिल्कुल ओपन फोरम उनको देंगे, आप आएँ, आइन में कहीं कमी बेशी है, फेडरल से हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं वो हम इस किस तरह उसको बेहतर करें। अपनी तहफ़ुज़ात अपने मुल्क के इस्लामाबाद से हैं जिससे हैं, हम उनके सामने एड्रेस करें, हम उनसे हकूक लें। ये नहीं कि हम अपने हकूक से पीछे हटें, हम अपने हकूक लें और उनके बात करें, जहाँ पर कमी बेशियाँ हैं हम उनको दूर करें। लेकिन ये नहीं है कि आप बाहर बैठ के यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाएँ और कोई चीज़ आपके सामने क्लियर है कि अवाम आपके साथ नहीं है तो फिर आप किसके लिए किस चीज़ पे लड़ रहे हैं? तो आप आएँ और बलूचिस्तान में हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, बात करेंगे और वो हमें कायल कर लें या हम उसको कायल कर लें, हम इस चीज़ के लिए कन्विंस और गेट कन्विंस वाली पॉलिसीज़। ठीक है बिज़ेंजो साहब, आखिरी कुछ सवाल मैं पूछूंगी, उसके छोटे आंसर्स देने होंगे, वक्त ख़त्म हो गया हमारे शो का। आपके ख्याल में सेनेट इंतखाबात में कौन सी जमात जीतेगी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या पीटीआई बलूचिस्तान? मेरे ख्याल में वहाँ पर अभी जो पोजिशन है, हाँ बिल्कुल नून की मेजॉरिटी है, ठीक, शायद वो अपने दोस्तों को मनाने या अपने एमपीज़ को मनाने में कामयाब हो जाएँ, हमें बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन हम मुस्लिम लीग के बाकी दोस्त हैं और लाइट माइंडेड शायद हम ग्रुप ऐसा सामने लाएं जो बलूचिस्तान की हकूक की बात करने इस्लामाबाद में, वो सिर्फ ये नहीं हो कि सेनेटर बने और यहाँ पे बैठे रहें और बलूचिस्तान की बात नहीं करें, शायद हम ऐसे कैंडिडेट सामने लाएं कि वो बलूचिस्तान की बात करें। हमें पार्टियों से नहीं है, हमें बलूचिस्तान के अवाम और पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत। आप इन तीनों जमातों को नहीं सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के सेपरेट लोगों को जीतता हुआ देख रहे हैं, इन अदर वर्ड्स? नहीं, पार्टियां हर एक हैं। कौन सी जमात? उनकी भी अगर वो अपने नाराज दोस्तों को मना सकें, मेरे ख्याल में उनके लिए अभी तक इतने दूरियां नहीं हुई, वो आए अपने लोगों को संभाल सकते हैं। और जमीयत है, पख्तूनख्वा है, नेशनल पार्टी है, और भी पार्टियां बहुत सारी हैं, और हमारी जो लाइट माइंडेड लोग हैं शायद हम कुछ कोशिश करेंगे, अगर आ सके नहीं आ सके कि ऐसे कुछ हमारे सेनेटर्स आ जाएं जो बलूचिस्तान की हकूक की बात करें और बलूचिस्तान की बेहतरी के बारे में। आपकी काबीना के बारे में बोला जाता है कि बहुत सारे पुराने चेहरे हैं जो पहली काबीना के अंदर थे, कुछ चेंज हुए कुछ नहीं हुए, तो वो पुराने चेहरे क्या कर पाएंगे? पुराने कोई चेहरे नहीं है मेरे सरफराज मुफ्ती साहब, एक सरफराज है मेरे ख्याल में। पिछली गवर्नमेंट दो ढाई साल देखें, फिर दो साल देखें नवाब साहब का, आपको बलूचिस्तान में अगर कोई मिनिस्टर नज़र आता था तो एक ही मिनिस्टर नज़र आता। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि सरफराज मेरी टीम में और मेरे दोस्त, वैसे भी मेरे दोस्त हैं हम, उसमें वो नहीं है, लेकिन मेरी खुशकिस्मती है कि सरफराज जैसे नडर और बहादुर और मुल्क से मोहब्बत करने वाला एक
लीडर भी मैं कह सकता हूँ, वो मेरे साथ है। बाकी हमारे सारे टीम आप देखें, आप बिल्कुल आपको यंग टीम नज़र आएगी और वो एनर्जेटिक भी हैं और काम करने का उनका मेरे ख्याल में एक लगन है और वो काम करना भी चाहते हैं। मेरे ख्याल में सरफराज को अगर आप कहते हैं कि उसमें निकालें, फिर मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा कि सरफराज के बगैर अगर मैं टीम को आगे ले जाऊं, या क्योंकि मेरा बहुत एनर्जेटिक और काम करने वाला। और पिछले ढाई साल पाँच साल में भी आपने मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में एक ही बंदे को देखा होगा जो मुसलसल आपको ग्राउंड में, लोगों में, जहाँ पे धमाका होता था, हॉस्पिटल में या कोई मसला होता तो आप उसी को मेरे ख्याल बलूचिस्तान में देखते आप थे। आप उन्हीं को फॉलो करते हुए अवामी तर्ज हुकूमत पे जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं या आपका अपना बिल्कुल उसका तो अपना एक तरीक़ाकार है। और मेरा एक एज ए चीफ मिनिस्टर जो मुझे असाइनमेंट मिली है, मैं उसको लेके बढ़ रहा हूँ। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ। जो एक सीएम का फ़र्ज़ होता है, सीएम का जो काम होता है, मैं वो करने निकला हूँ। सही। मीर अब्दुल कुदूस बिज़ेंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। गुड लक। आप बलूचिस्तान की अगर किस्मत को या तकदीर को बदल सके तो यकीनन पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा। हमारे आज के शो से इतना ही। सीएम बलूचिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मीडिया के ऊपर आए, हमसे बात की, बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से भी बात की, बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से भी बात की, कुछ सियासी मामला जिनके ऊपर सवालात उठ रहे थे उस हवाले से भी बात की। हमारे आज के शो से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।